जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस समारोह हमीरपुर स्थित टाउन हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समारोह में जिला भर से 200 से भी अधिक वृद्धजन महिलाओं तथा पुरुषों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि रतन गौतम ने कहा कि वृद्धजन न केवल राष्ट्र अपितु विश्व की धरोहर है तथा इनके बहुमूल्य अनुभवों से ही आज समाज तथा देश विकास व उन्नति के मुकाम को हासिल कर पाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बुजुर्गों का सम्मान तथा उचित देखभाल करनी चाहिए और उनके अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग प्रगति के मुख्य कारक हैं तथा इनके तजुर्बों और बलिदानों के स्वरूप आज हम सबको मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति हमें बुजुर्गों की सेवा व सम्मान को सिखाती है। उन्होंने कहा कि मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अपने माता पिता को काबड़ में बिठाकर उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ यात्रा करवाई थी तथा राम अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता महाराजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए वन गमन किया था, जो कि उनके चरित्र व अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर की भावना को परिलक्षित करता है। उन्होंने हमीरपुर वरिष्ठ नागरिक काउंसिल के संस्थापक व पूर्व प्रधान ज्ञान चंद शर्मा तथा उनकी पूरी टीम की सामाजिक सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए मुक्त कंठ से सराहना की। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, हमारे वेदों ने गाया है जीवित शब्द शतम सुनियाद शब्द शतम कि 100 साल तक जिए ऐसी कामना करते हैं कि उस उपरांत हमारी इंद्रियां भी ठीक रहे, हमें सुनाई भी दे, दिखे भी, हर तरीके से हम जो है स्वस्थ रहे। ऐसी कामना जो है ये हमारे श्रुति स्मृति सभी पुराने समय से सनातन धर्म में चला आ रहा है। तो लेकिन आज थोड़ा स्थिति जब हम देखते हैं थोड़ा भिन्न हो गई है, तो इसमें हमें थोड़ा कारण भी ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा ही समाज है जिसमें हम पितर भक्त श्रवण को भी याद करते हैं कि जिसने माता पिता की सेवा करके मिसाल बनाई, आज भी हम उसको स्मरण करते हैं, कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा जो बदलाव आ रहा है समय के साथ, जितनी प्रगति हुई है, तो प्रगति का जो कारक है वो भी जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, तो वही जो आप हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, आप ही इस प्रगति को यहाँ इस मुकाम तक लेके आए हैं। आपने अपने समय में देखा कोई सड़कें बहुत कम थी, स्कूल कम थे, सारी जो है वो सुविधाएं वो कमतर होती थी, संघर्ष करके सारा जो है वो आप लोगों का जो सतत संघर्ष रहा है, तो आज जो है हमारा जो समाज है, देश है, प्रदेश है, प्रगति के जिस स्थान पर मुकाम पर खड़ा है, ये सब आप लोगों का ही श्रम और बलिदान है। इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा तमाम उपस्थित वृद्धजनों का स्वागत किया तथा विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर सीनियर सिटीजन काउंसिल से प्रेरणा लेकर अन्य एनजीओ को भी समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हमीरपुर वरिष्ठ नागरिक काउंसिल के संस्थापक पूर्व प्रधान ज्ञान सिंह शर्मा द्वारा आर रोहान में भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विद्युत बिल जमा काउंटरों पर वरिष्ठ नागरिकों को उचित अधिमान देने का आग्रह किया। उन्होंने हमीरपुर से बाया झनियारा जबोट बस को फिर से शुरू करने की मांग की ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का इस दिवस को मनाने का एक तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है कि हम उनके पूरे साल में एक बार प्रोग्राम करके उनको याद करके भूल जाए, इतना नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त भी हम बहुत कुछ उनके लिए करते रहते हैं। एक भरण पोषण के लिए हमारा विधेयक जो जिसको हम
पेरेंट्स डिपेंडेंट एंड मेंटेनेंस एक्ट 2001 में हिमाचल एक पहला प्रदेश है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है फिर भी। इसका रीजन क्या है कि हमारे प्रेजेंट भी नहीं करना चाहते हैं कि वो हमारे पेरेंट जो बच्चे हैं उनसे हमारी अनबन हो जाए, चाहे उनको गाली गलौज करते हैं लेकिन वो कभी प्रधान के पास नहीं लाएंगे, कभी एसडीएम के पास नहीं जाएंगे। एसडीएम जो होता है उसका ट्रिब्यूनल होता है, अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं या आपके जिसके अंदर आप रह रहे हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, जो आप डिपेंडेंट है जिसके अंदर, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी हो, अगर वो आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपकी देखभाल हो सकती है, आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिल सकता है, साथ में आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5,000 तक अपने बच्चों से आपको मेंटेनेंस अलाउंस लगा सकते हैं, जो एसडीएम एक ट्रिब्यूनल होता है वो कर सकता है। टाइटा नहीं ले सकते, एक बहुत अच्छा एक विधेयक बनाया हुआ है हिमाचल ने, और इसके बाद 2007 में ऑल इंडिया लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इन चीजों को हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए, यह हमारा दायित्व बनता है जो पढ़े लिखे हैं, जो रिटायर्ड सर्विस से हैं, क्योंकि आपको पेंशन तो मिल रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस तरह की कोई सहायता नहीं है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे ही निर्भर रहना पड़ता है, किसी को 750 मिल रही है, किसी को 1300 रुपए मिल रही है, लेकिन क्या आप इससे उनका कहीं ना कहीं किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है या किसी को रहने में प्रॉब्लम है, किसी का घर नहीं है तो क्या वो गुजारा कर सकते हैं या उनको राशन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडीसी रतन गौतम ने गांव बडोल के 105 वर्षीय जय देवी हमीरपुर वार्ड नंबर 8 नया नगर के 100 वर्षीय राजू राम शर्मा, गांव डलवाना ब्राह्मणा के 103 वर्षीय कमला देवी डलवाना गुजरा की 100 बसंत देख चुकी सिमरो देवी के अतिरिक्त प्रेमदास सोनी रोशनलाल उदास एसटी गुलजार जीसी शर्मा शंकर दास भारद्वाज दुर्गी देवी तथा ओपी नंदा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सीडीपीओ बलवीर सिंह बिरला, तहसील कल्याण अधिकारी उर्मिला पटियाल, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद विनोद शर्मा के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।